क्रॉसबी, क्या चीज? हम पढ़ते थे आईएल क्रॉसबी, हमने भी पढ़ा कि भाई आईएल क्रॉसबी में जो एल वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए कोई बहुत बढ़िया, तो मैंने बोला कि आईएल क्रॉसबी में ये तब लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको थोड़े थोड़े लल्लू से सवाल वाल भी करा है, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसमें कई वैरायटी के जो सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखिए कैसे भाई, एक तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा वायर हो, आपको बोल दे आईएल क्रॉस भी गया तो इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट जॉइनिंग लाइन ले लो और ये ले लो और वो ले लो और ये ले लो, टाइम पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और किस प्रकार के सवाल आते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक इन्फाइनाइट वायर है, ऐसे बोलो एक इन्फाइनाइट वायर है ऐसे, इसमें करंट बह रहा है आई, कितना बह रहा है आई, मैं बोलूं यहां पे बात नहीं, एक और वायर है ऐसे ऐसे आई, ये आई वन करंट मान लो, आई टू मान लो, इसकी लेंथ है एल, ये दूरी है डी, क्या इस पर फोर्स बता सकते हो, क्या इस वायर के इस पर फोर्स लगेगा, यस और नो, क्यों इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इस पर फोर्स है, है कि नहीं है, तो बताओ कितना है। सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। मैंने सेक्शन ए बी सी दे दिए, क्या क्या दिए, ए बी सी दे दिए, इसमें तीन दिन क्या लगाई यार, क्या इसके समय अंदर है, yes, sir. कितनी बता दीजिए रहते हैं, कितनी म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई ऑफ डी, क्या इस पूरे वायर के लिए कांस्टेंट है, yes, sir. इस पूरे वायर के लिए फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, क्या होता है एल और बी में एंगल, तो क्या फोर्स इधर आएगा, yes, नहीं आया, आया। फोर्स इधर आएगा, बोलो कितना फोर्स आएगा, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी इंटू आई टू इंटू एल इंटू, बस मुझे लगा है तो मैं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया। क्यों ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझो कि ये स्टैंडर्ड बात होती है, ध्यान समझ, अगर दो इन्फाइनाइट वायर है, क्या है दो इन्फाइनाइट वायर है, एक पे आई वन एक पे आई टू, दोनों के बीच की दूरी डी, ऐसे इन्फाइनाइट वायर हो सकते हैं जैसे अपने जो वायर जो अपने करंट कैरिंग वायर जा रहे होते हैं, अगर आप ध्यान देखो जो लाइन्स भी जा रही होती है, मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है, तो सोच उनके बीच में फोर्स है कि नहीं है, उनके बीच में फोर्स है कि नहीं है, एक्चुअली इसकी एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होती है फोर्स की, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये भी इन्फाइनाइट है ये भी इन्फाइनाइट है, तो फोर्स निकालना चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देख, अगर आप देख दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन करंट बह रहा हो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस पर फोर्स लगा इधर, बोल यस और नो, और ध्यान देख इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इसकी वजह से फोर्स लगा इधर, दोनों में अट्रैक्शन आया रिपल्शन, अगर सेम डायरेक्शन में करंट बहता है तो अट्रैक्शन आता है। इसलिए आपने देखा जो भी ऐसे बड़े बड़े वायर होते हैं ना, बड़ी बड़ी लाइंस बिछरी होती हैं, तो उसमें आपने कभी देखा ना, तो ऐसे सांप के टाइप एक वायर दोनों के बीच में लगा होता है, वायर के वो इंसुलेटर होता है बेसिकली, सेपरेट कभी देखा नहीं यार, बड़ी हाई टेंशन लाइन वायर जा रही होती है, तो उसके दो कारण होते हैं ऐसे करने के लिए, एक तो फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं हो, दूसरी बात वो आंधी अंदर चले तो शॉर्ट सर्किट भी ना, ऐसे ऐसे तुमने देखा होता है ऐसे कभी वायर में, ऐसे बड़े बड़े वायर जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे वायर ऐसे एक इंसुलेटर लपटा होता है, अरे भाई साहब ये इंसुलेटर होता है जो इनके बीच के गैप को रखता है, टाइट रोप टाइप होती है, अरे भाई सर कारण ये होता है कि भाई अगर एक तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर दोनों वायर्स में करंट बह रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, तो उसकी वजह से वो पास में आके टकरा नहीं जाए वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और या फिर जैसे आधी अंदर चल रही है तो बहुत ज्यादा अगर ऐसा नहीं हो हिले डुले तो वो आपस में टकरा जाए, इसलिए जहां पे भी मोटे मोटे लाइंस रहती है ना वहां पे ऐसे गैप रखते हैं, पहले जो मैं बोला चमका क्या उससे कोई लेना नहीं, हम तो उस पर आते हैं वापस, तो हमने बोला कि वैसे ऐसे ऐसे फोर्स, अभी जो फोर्स है ये फोर्स वैसे तो इनफाइनाइट अगर वायर है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या निकालते हैं, अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं मतलब यहां पे एल की जगह क्या वन मीटर ले लूं, अरे एल की जगह क्या ले लूं, तो वन मीटर पे जो फोर्स होगा क्या वही मेरा आंसर होगा, बहुत ध्यान देखो यहाँ ये बिल्कुल वही वाला सवाल है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई वन आई म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी इंटू आई टू, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर जो इनमें सेम डायरेक्शन बह रहा हो, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, सिंपल सी बात, अगर दो इनफिनिट वायर में सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा हो तो उनमें अट्रैक्शन होता है, अगर उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा हो तो उनमें रिपल्शन होता है, इसलिए आप देखोगे अगर सेम डायरेक्शन करंट बहेगा तो दोनों ऐसे पास 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 आ जाते हैं, ऐसे 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 करके थोड़ा पास पास आ जाते हैं, और अगर रिपल्शन हो तो थोड़े दूर दूर हो जाता है, ये सच्चाई की कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले था जो मैं बोला चमका, कभी इस मामले पे सवाल पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतार ले फटाक से रफ्तार तेज, ओए मैं चार्ली, अरे जल्दी उतारो,
उतार लिया गया। अर्थात एक पागल हो जाते हैं। तो मतलब समझदार होकर पढ़ लो, पढ़ लो बस, पहले से पागल हो तुम लोग। बेटी का है और नसड़ी, नहीं तू भी नसड़ी लगता आजकल। जल्दी I2, ये दूरी A, ये लेंथ L, ये दूरी A, ये लेंथ L। बताओ उसमें फोर्स। यू नॉट आई वन आई टू बाई ए प्लस एल। इधर देखो जैसे पहले तो कैसे करें, डिग्रेड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे छोटे से एलिमेंट ले लो डीएक्स, डीएक्स एलिमेंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई एक्स। बोल यस और नो। यहाँ पे छोटा सा डीएल है जिसको अपन डीएक्स मान रहे हैं उसमें और बी में एंगल 90 डिग्री है तो ध्यान से देखो तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ डीएफ। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट ले लूँ तो सभी की वजह से फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगे, मतलब डायरेक्ट जोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो डीएफ की होगी आई एल बी आई एल बी आई एल बी यानी कि आई टू इंटू एल की जगह डीएक्स और म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई एक्स, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई एक्स। तो लिखा गया डीएक्स बाई एक्स। अगर टोटल की बात करें तो डायरेक्ट अपना इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए होगी ए बाई ए से लेकर ए प्लस एल। तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए। तुम्हें कुछ आया तो है नहीं, आया कि नहीं आया सोच लो। केला खत्म और देख अच्छा मैं इसलिए मारो समय। अच्छा मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इसमें पूरा का पूरा लूप है स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे इसमें करंट बहरा आई इस स्क्वायर पे नेट फोर्स। अरे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैरिंग लूप है स्क्वायर, उसमें नेट फोर्स। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सोच लो क्यों जीरो। दो कारण पहले प्रूव कर लेते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, कैंसिल आउट हुए नहीं हुए। हर जगह आई सेम है, एल सेम है, बी सेम है। बोलिए सर ना। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स कैंसिल आउट होगा तो नेट फोर्स जीरो हो गया। आपको नहीं लगता कि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा दूसरा लॉजिक, हमारा फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी वेयर एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड। नहीं आया तो इसमें एल वेक्टर क्या है, जीरो। इसमें एल वेक्टर क्या है, मतलब मैं बोल सकता हूं अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है, लूप इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लूप इन बी बराबर कांस्टेंट, क्या नेट फोर्स इज जीरो। इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो मैं इस वायर के पास में एक लूप ले लूं, मान लो मैं इस वायर के पास में एक लूप ले लूं, ये I2 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 I2, बोलो क्लियर। ये A और ये L। हाँ अब बोलो इस लूप पे नेट फोर्स जीरो है क्या, क्यों नहीं है। ये लॉजिक यहां क्यों नहीं लगा सकता, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट पक्की बात। तो बता दो कितना है, पहले ये उतार लो फिर ये उतारो ताकि तुम्हें बात समझ में आए कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ही नेट फोर्स जीरो होता है। हाँ जल्दी 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 रफ्तार तेज। अरे इसमें क्या इतना टाइम पड़ गया, जल्दी जल्दी करो यार। पहले तो इस वाले वायर पे फोर्स ऊपर लगा, इस वाले वायर पे फोर्स नीचे लगा, ये दोनों कैंसिल आउट हुए नहीं हुए। भले इंटीग्रेशन का फंक्शन आता है पर उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देख तो इस I2 और I1 में इधर हुआ अट्रैक्शन और इधर हुआ रिपल्शन, मुझे लगा ही तुम्हें आया। पर ये वैल्यू अलग है, मान लीजिए ये फोर्स है F1 और ये है F2। ध्यान से देखो तो F1 बड़ा है और F2 छोटा है। देख F1 लिख रहा हूं μ1 I1 I2 / into L into 2 pi d। अरे भाई हां ना बोल, माइनस नहीं ए म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू एल टू टू बाई ए माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू म्यू वन आई वन आई टू एल बाई टू बाई ए प्लस एल। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इस पे लगने वाला फोर्स क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई वन आई टू बाई म्यू नॉट आई वन बाई टू बाई ए है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई वन बाई टू बाई ए प्लस एल है। माइनस कर दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, पक्की बात।
मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कुबज 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 उसी के मिला इसके मिला रूस के मिला इसी के मिला इसी के मिला रूस के मिला आया। मान लीजिए एक वायर है आई वन ऐसे वहां पे यहां पे पास में वायर है कुबज कुबज। मान लीजिए वायर में करंट ऐसे बह रहा है, देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक वायर है। मान लीजिए आई टू है, बोलो क्लियर। मैं आपसे पूछूं इस वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा कैसे? इस वायर की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इस सेटअप पे जल्दी बोलो किधर लगेगा, कैसे निकाल लिया सब लोगों ने? देखो इस वाले वायर पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस वाले पे किधर लगेगा, इधर। कौन से कट जाएंगे, कौन से जुड़ जाएंगे? हॉरिजॉन्टल कटेंगे नहीं, ये मैग्नीट्यूड अलग है, ये अलग है, इसलिए इसका आंसर वर्टिकल नहीं है। ध्यान से देखिए, ज्यादा होगा या कम होगा? वर्टिकल गलत आंसर है। अब ये कट जाएंगे क्या? ये कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? F1 greater than। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ऐसा और ऐसा, और उनका रिजल्टेंट ऐसा। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? हाँ सॉरी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बच जाए। समझ आया नहीं आया? मैं तो कह रहा हूं अब ऐसे ही एक वायर है ए दूरी पे एल लेंथ का थीटा एंगल पे, करंट बह रहा है आई टू, इसमें फोर्स बताओ इस वायर पे, इस वायर पे फोर्स बताइए। उधार लिया गया, इधर देख। सीबीटी को लेके सभी बहुत भावुक बस में बैठ के जाएंगे पिकनिक मनाने, कैसे करें बताओ? ऐसे सिंपली मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे करना चाहिए, फिर आपकी गलती भी बताऊंगा। एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लीजिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई ए प्लस एक्स कॉस थीटा। पहले तो यस और नो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, dx आपका ऐसे है, dx और b में एंगल 90 डिग्री है, जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ILB, ILB के फोर्स की डायरेक्शन df और b भी ऐसे ही होगी जो लिखी जाएगी I2 into LL की जगह dx और b की जगह mu not I1 by 2 pi a plus x cos theta होगी। बोल यस और नो, तो a plus x cos theta है ऊपर dx, हमने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ध्यान से देखो तो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगी। अगर ऐसे ही रहेगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लीजिए। और लिमिट लगाइए आप किसकी, एक्स की, एक्स की लिमिट लगाई जाएगी जीरो से लेकर एल तक, cos theta cos theta नहीं, जीरो से लेकर एल तक, सिंपल। अरे भाई हाँ ना तो बोल, बिल्कुल सही सोल्यूशन। अब आपने ध्यान सुने, जिन्होंने कहीं नक्कल लगाई होगी उन्होंने क्या करा होगा वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया होगा, इस पे अलग निकाला होगा और इस पे अलग निकाला होगा, इस पे अलग निकाला होगा और इस पे। ये रॉन्ग मेथड है पहली बात, जो आपने अगर ऐसा सोचा है तो, अगर जो मैं बोल रहा हूँ पहली बात तो सही है, अगर आपने ऐसा सोचा है कि आप इसको ऐसे तोड़ लो और इसको ऐसे तोड़ लो तो आप ये गलत तरीका कर रहे हैं। आप इसको वायर को ऐसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तोड़ने का काम आप सिर्फ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हो। आई एल क्रॉस बी में एल वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वैलिड ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो आप तोड़ने का काम तभी कर सकते हो। उसका लॉजिक दूसरा और सुन लो। मान लीजिए कि आपने इस dx को ऐसे तोड़ा, ऐसे और ऐसे तोड़ा, जब आप इस छोटे से एलिमेंट के dx ऐसे एलिमेंट का ये वाला हिस्से को यहां लाए तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, पर जब आपने इस हिस्से को यहां प्रोजेक्ट कर दिया तो हर हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थी, जबकि आपने क्या उसको एक ही से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब आपने गलती कर दी, इसलिए ये वाला मेथड सही मुझे तुझे कुछ समझ नहीं आया, इसे जो मैं बता रहा हूं वैसा ही सही है। अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो वो गलत है, इसीलिए सवाल कराया गया है। मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया, आया कि नहीं आया। तो अगर वायर के खेल में अगर हमसे सिंपल कोई आई है, हाँ अरे क्या हुआ, बोला करो ना, गुजर मुझे गुजर मुझे क्या करने लग जाते हो। जो मैं बोला चमका, ऐसे सवालों में और कोई दिक्कत नहीं, तो ये सवाल अच्छा था इसलिए मैं इसको बताया, और इसमें जो क्या गलती थी वो भी मैंने आपको बताई। इसी में एक और टाइप की वैरायटी आती है रियल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स?
रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम आपकी तब भी आएगी जब अपन ईएमआई पढ़ेंगे, तो लिखो रियल प्रॉब्लम्स, लिखिए रियल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या बोला समझ लें उसको, बात नहीं। रियल प्रॉब्लम में क्या करते हैं आप, समझो कि रियल प्रॉब्लम एक ऐसा सेटअप है जिससे आप, बात नहीं, जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लोगे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, फिर अपन ईएमआई में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल में। बोलो क्लियर है? तो अभी अपन पहले बेस समझे, आप किसी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एक बेसिक सा सेटअप, हालांकि बहुत एडवांस हो जाने बाद में अपन बाद में समझे। अभी समझो आपके पास एक रील्स है, ऐसे आपके पास क्या ऐसे रील्स, रील्स मतलब एक ऐसे समझो कि ऐसी कंडक्टिंग रॉड्स टाइप रील्स है जो फ्रिक्शन लेस है, मान लीजिए कंडक्टिंग और फ्रिक्शनलेस और रेजिस्टेंसलेस, आर इक्वल टू जीरो लिख लेता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। इस पर हमने क्या करा कि ऐसे हमने एक बैटरी जोड़ दी, ऐसे समझो ऐसे रजिस्टर लगाते हैं, कुपैच 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 ऐसे, ठीक। इन रेल्स पर एक रॉड है जो ऐसे चल सकती है, ऐसे ये ऐसे रॉड है जो इस पर चल सकती है, कनेक्टेड है, मतलब ऐसे रेल्स है, ऐसे ऐसे और उस पर ऐसे रेल्स चल सकती, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे रेल्स ऐसे इस पर चल सकती, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए चलिए भाई अब देखिए, तो मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पे ये लगाई वी, ये है आर, और जो रॉड है उसकी लेंथ है एल, उसका मास है एम और उसकी रेजिस्टेंस है बड़ा, रॉड की लेंथ है एल, मास है एम, रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि इस पूरे रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर ये सेटअप ध्यान से देखें, अच्छा रॉड की हमने कोई रेजिस्टेंस ली नहीं, ये जो रियल साइन की रेजिस्टेंस हमने नहीं ली, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या ये एक सर्किट है इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट आर वी छोटा आर, तो इसमें करंट कितना बाहर, वी अपॉन आर प्लस आर, पहले तो ये सुन लो, अच्छा करंट कैसे बाहर इस रॉड में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नहीं आया, तो ऊपर से नीचे से करंट बह रहा है, जब करंट ऐसे बह रहा है तो आपको नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वायर, yes, sir. अगर वायर ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी, एल और बी में एंगल, क्या ये वायर पे फोर्स लगने लगा आई एल बी, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, आपको नहीं लगता इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करने लगेगा, अरे कभी तो आना बोलो, मान लो रेल्स वेल्स की दूरी डी दे रखी है, नहीं दे रखा है, तो बोलो एक्सेलरेशन कितना हो गया, अगर सब कुछ बढ़िया है तो आई एल बी बाई एम, मुझे लगा ही तुम्हें आया, और आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू है वी एल बी बाई एम आर प्लस आर, बोलो एक्सेलरेशन समझ आया क्या, मैं आपसे पूछ लूं बताओ इस रेल्स को पार करने में कितना टाइम लगेगा, क्या डी इक्वल टू हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, कितने टाइम की रफ्तार होगी बताना कोई खास बात, अरे मुझे लगा ही तुम्हें आया, पहली बात समझो ये आई एल बी की वजह से इसकी करंट एनर्जी बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी घटी, बड़ी, सोच ये एनर्जी आई कहां से, बैटरी से, सो वी हैव कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, वी हैव कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, वेरी बेसिक सेट है, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे मान सिंपल से आप बात समझो, मान लीजिए आपको फोर्स मिल रहा है, बहुत सारी बातें मैं आपको आने वाले बहुत सारे सवाल बता देता हूँ ऐसे, उनमें कोई खास बात नहीं, मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर जाती है, फोर्स आई एल बी है, फोर्स बाकी सब मैकेनिक्स के सवाल हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आई एल बी अगर ऐसे लग रहा है, अब आप सोच के देखो कि मान लो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, ये भी ऐसे रखी हुई है, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या आई एल बी माइनस म्यू एम जी, वैरायटी बता रहा हूँ सवालों की, अगर फ्रिक्शन होता तो आई एल बी माइनस, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आई एल बी माइनस म्यू एम जी, अच्छा मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिए ऐसे तो क्या नीचे की तरफ था एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन भी होता तो क्या ऊपर लगता म्यू एम जी कॉस थीटा, और डिपेंड करता है कि आई एल बी नीचे लग रहा है या ऊपर, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, तो बहुत सारे सेटअप तैयार रहता है, मुझे मान लीजिए किसी कुएं में से पानी निकालना है तो निकाल लो, कुआं में डूब जाऊंगी, देखो ऐसे सेटअप है, मान लीजिए ऐसे आपने लगा दी पुली, सो सेटअप ऐसे सजाएगी आई एल बी इधर लग रहा है, क्या पुली पानी नहीं खींच लाएगी, अरे भाई पुली पानी खींच लाएगी नहीं खींच लाएगी, फिर जैसे स्विच बंद करा फिर नीचे गिर जाएगी, ब्रर पानी भरा, अरे यार बहुत सिंपल मैकेनिकल सेटअप है, नहीं आया, सो इट कैन बी यूज सो एट सो मेनी प्लेसेस, और बहुत बेसिक सी बात अपने को समझाई है, आपको इस बात की फील आनी चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीजें मिला सकता हूँ, दो पांच सवाल भी मैं करा सकता हूँ, उनमें कोई खास बात नहीं, आई एल बी इज अ फोर्स विच कैन बी यूटिलाइज एंड दिस इज अ सिंपल सेटअप विच इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट,
उससे कई सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल जुड़ सकते हैं, पुली लगा ले, स्प्रिंग लगा ले, जो तरीका लगाना है यार, हमें क्या दिक्कत है उसमें, हमें तो ILB का मतलब समझ में आना, उसका बेसिक यूज समझ में आना चाहिए, इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ज्यादा पैपे करूंगी, बात समझ आ गई है? अरे पक्की बात, राइट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू राइट, हो गया क्या? तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आएंगे तो बेसिक कर लेंगे, इसमें थोड़े से सवाल कैसे लगा सकते हैं, यहां समझो, मान लो तो थोड़े से टफ कहलाते हैं, हालांकि टफ ऐसा कोई इसमें भी खास बात नहीं है, मान लीजिए कि अपन ने से बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, ये 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 ये, अब सुन, मान लीजिए कि ऐसे आपकी रेल्स है, पर अब जो रेल्स हैं, अब जो रेल्स है, मान लो उसमें रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर, फ्रिक्शन लेस है, मान ली बात, फ्रिक्शन लेस है, मान ली बात, मान लीजिए हमको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बात नहीं प्लीज, वैसे प्लीज मैंने ऐसे मजाक में बोला है, कई लोग सीरियसली ले रहे हैं, प्लीज ले बोल रहा है भाई साहब, अपना क्या बिगाड़ लेना, लेंथ एल, मास एम, रेजिस्टेंस आर, ये आर, ये वी, बोलो क्लियर, अगर करंट बहेगा तो दौड़ेगा, पर अब जो रेल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, लैम्डा ओम पर मीटर, तो बताओ वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी या चेंज होगी? कॉन्स्टेंट तो पहले भी नहीं थी, कॉन्स्टेंट तो पहले भी नहीं थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? मान लो मैं आपसे बोल दूं कि यहां से x दूरी पर क्या वेलोसिटी होगी एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? निकालो फटाक से, रफ्तार तेज, तो मेरे साथ सर्किट ऐसा बनेगा, देखिए किसी भी दूरी पर ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा वी, करंट हो जाएगा वी बाई आर प्लस टू लैम्डा एक्स, यस और नो? तो उस पर फोर्स लगेगा ILB, क्या लगेगा? ILB, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा ILB, आई की जगह लिखेंगे वी बाई आर प्लस टू लैम्डा एक्स, ILL की जगह L, B की जगह B, क्या एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, उसे लिखें VdV बाई dx, अब इंटीग्रेट कर लो लिमिट 0 टू x 0 टू v, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू VLB, v ने v को, ये v अलग है और ये v अलग है, v स्क्वायर बाई 2, अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा 2, नीचे 2 लैम्डा ln ऑफ r plus 2 लैम्डा x अपॉन आर प्लस आर, अरे मैं सही बोल रहा हूं क्या? आंसर आ गया, हाँ नीचे m एक और चलेगा, m क्यों चलेगा? तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, अब इसमें डरना क्या है, तो काइनेमेटिक्स है, अगर ध्यान से देखो तो काइनेमेटिक्स एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, तो काइनेमेटिक्स है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x क्या है? काइनेमेटिक्स है, बस इसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ी था कोई खास, अब कितना भी टाइम पास कर सकते हो यार इसमें, ऐसे कर लो, फ्रिक्शन भी लगा लो, ये भी कर लो, जो इच्छा हो करो, इधर सुन, आप बात नहीं इधर सुने, इधर कम आ जाते हैं वापस, ये था अपना कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ अपना ये, अब बेसिकली अपन एंटर करने वाले, मेरी बात सुने अपन ध्यान से, कि अपन जो है बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, अगर करंट कैरिंग वायर पर फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि उस पर टॉर्क भी लग सकता है, क्या लग सकता है? पर टॉर्क लगने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं? तो अपन हेडिंग डालें मैग्नेटिक मूवमेंट, थोड़ी देर उस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट ध्यान से सुन, मैग्नेटिक मूवमेंट असलियत में मैं अगर आपको बात करूं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमने जो साइंटिस्टों ने देखा कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके आसपास एक फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वैसी फील्ड क्या हमें अपने करंट कैरिंग वायर्स के आसपास भी मिली? बेकार रिस्पांस। अगर आप बहुत ध्यान दें तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होता है ध्यान कर वैसा ही रिंग का भी होता है। अरे भाई साहब, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम होता है किसके आसपास? मैग्नेट के आसपास, वैसे क्या करंट कैरिंग रिंग के आसपास भी होता है? तो देखा गया कि जो लूप है, क्या है? लूप है, जो क्या है? लूप, वो भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जैसे मैग्नेट्स हैं। यानी कि क्या करंट कैरिंग लूप्स कैन एक्ट एज अ मैग्नेट्स? कैन एक्ट एज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के आसपास जैसी मैग्नेटिक फील्ड है,
वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड करंट यानी वायर्स के आसपास भी है। तो इन दोनों का एक कॉमन चीज निकाली गई जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसा आप समझो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं बात करूं मैग्नेट के लिए, किसके लिए, तो आप इसे पढ़ चुके हो, आप जानते हो कि मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये प्लस एम ये माइनस एम, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है एम इनटू एल, जिसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। असलियत में जो लेंथ होती है ये अपने इसकी लेंथ होती है थोड़ी सी कम होती है, एल इफेक्टिव जो आपकी चीज मतलब उसमें दिया भी होगा, मैं बता दूंगा आपको कहां पे, अभी उस पर ज्यादा पेपर नहीं कर रहे। दिस इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर अ मैग्नेट। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं, किसी भी लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं, मान लीजिए आपका लूप है, कोई भी आपका लूप है, तो लूप के लिए अगर उसमें करंट बह रहा है आई, क्या बह रहा है आई, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट वही वाली चीज डिफाइन करी गई एम इक्वल टू आई इंटू ए। याद रखना है तुम, ऐसा समझो आई इंटू आई इज वॉट। पहले तो आपको नहीं लगता कि करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। आप समझो कि ये इतनी ही ताकत की मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अगर I into A निकाल लिया जाए तो समझो कि उसकी जगह इतनी ही ताकत की अगर मैग्नेटिक मैग्नेट लग दी जाए तो वो उसी की तरह एक्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों में चीज है। तो बेसिकली आप समझो कि मैग्नेटिक मूवमेंट वी डिफाइन फॉर टू थिंग्स, वन इज द मैग्नेट, सेकंड इज द लूप। वन इज द मैग्नेट, सेकंड इज द लूप। और लूप का कैसे लिखते हैं, I into A, A इज व्हाट, एरिया ऑफ द लूप, A इज व्हाट, एरिया ऑफ द लूप। अच्छा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आती है क्या आपको? Yes, अरे आती कि नहीं आती? Yes, क्या किसी भी लूप के लिए वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकती है? Yes, बाहर भी हो सकती है और बोल इसमें किधर, बाहर अंदर? सिंपली कैसे देखा आपने, कल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। नहीं आया। इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कोई सी भी नहीं मान सकते हैं, जैसे फ्लक्स में मानते थे। इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मानेंगे, कल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यस और नो? दैट इज व्हाट आई ए वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। अब यानी कि क्योंकि हम कई आगे सवालों में इन लूप्स को किससे रिप्लेस कर लेंगे, मैग्नेट, ईएमआई में करेंगे वो अलग बात है, पर अभी हमें इनका बेसिक समझ में आना, क्योंकि करंट कैरिंग लूप भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जैसे कौन करती है, मैग्नेट। तो हमने उनका एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया कि भैया इतने मैग्नेटिक मूवमेंट की मैग्नेट रख दो या ये लूप मान लो, एक ही बात है। पहले तो जो बोला चमका, अरे हाँ ना बोल यार, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि फिक्स चीज है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप हमें निकालना आना, अब हम ये सीखेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले बोलो समझ में आ गई क्या? राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट, रफ्तार तेज पागल हो जाते हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई इंटू ए, आई इंटू, मान लीजिए इधर देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई ये x एक्सिस ये y एक्सिस, याद है ऐसा अपन ने पहले भी बनाया डायग्राम, कहां बनाया था, फ्लक्स में, फिर ऐसा आएगा उसमें ईएमआई में आएगा नहीं, बस तुम्हें बोल दिया जाएगा आ गया देखो, वही लूप है, मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, स्क्वायर है 5 मीटर, स्क्वायर है 5 मीटर का, करंट ऐसे बह रहा है, ये 37 डिग्री एंगल है, करंट है आई, बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए वेक्टर फॉर्म में, रफ्तार तेज, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए वेक्टर फॉर्म में, एरिया वेक्टर मैं आपको पहले निकालना सिखा चुका हूं, रफ्तार तेज पकड़िए, नहीं हुआ थोड़ी तुमसे, बस बातें करा लो तुमसे, तो बाकी कुछ होता जाता नहीं है तुमसे साले। एरिया वेक्टर किधर की तरफ है तुम्हें भी पता पड़ रहा है,
हुआ थोड़ी तुमसे, अभी एरिया वेक्टर लिखना था सिंपली, जो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। वास्तविकता में सवाल भले अच्छा है पर ये मैं पहले करा चुका हूँ एक तरीके से। अब मैग्नेटिक मूवमेंट आई इनटू ए है ना, क्या मैंने ऐसे टेढ़े लूप का एरिया वेक्टर लिखना नहीं सिखाया आपको? कहाँ सिखाया था? अब वो दोबारा पढ़ लो या तो फिर उतना टाइम लगाओ। एग्जैक्टली यही चीज बताइए, और सवाल भी वही दिया, डेटा भी वही लिया है। एक चीज 20 बार थोड़ी पढ़ाई जाएगी, टाइम पास सवाल करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं बस। ले मर, देखो सोएगा अभी तू। एक्स वाई जेड, मान लो कि रिंग ऐसे है, रेडियस आर है, बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अरे बताओ अब, बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। पाई आर स्क्वायर, हाँ बेटा कितना। देखो ऐसे बाहर लेंगे तो ये जेड कैप है ना, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एक है। सॉरी मैंने तुम्हें वो इलस्ट्रेशन लेके परेशान करा। आई क्यू के कैप है ना, बाहर है ना। एक कहावत है कि कभी भी गधे के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले वो खींच के आपको अपने स्तर पे लाता है फिर हरा देता है, क्योंकि उसमें उसकी ज्यादा एक्सपर्टीज है। नहीं मैंने तो ऐसे ही बताया बेटा, ऐसे ही कुछ चीजें शेयर करनी चाहिए। मतलब ऐसे कहा जाता है कि मतलब जैसे फालतू लोगों से, ऐसे लोगों से बहस करनी, क्योंकि पहले तो खींच को आपके अपने स्तर पर ले आते हैं, पर उस स्तर पर तो वो एक्सपर्ट है तो फिर वो आपको हरा देते हैं। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। ऐसे सवाल करोगे कि नहीं करोगे? टाइम पास करना, जल्दी जल्दी बोलो यार। ये एरिया वेक्टर वाले अपने बेसिक सवाल अपने को आने चाहिए, थोड़ा सा अच्छा स्तर बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि लैपटॉप सवाल है, समझ में आ जाएगा लैपटॉप सवाल क्यों बोला। मान लीजिए कि आपका जो लूप है वो ऐसे है, मान लीजिए कि आपका जो लूप है वो ऐसे है, समझ में आया कैसे है? ऐसे लैपटॉप टाइप, कुछ इधर कुछ इधर, बोलो क्लियर। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि ये साइड ए है और ये साइड बी है, और ये भी ए है और ये भी बी है, बताओ इस पूरे लूप का, क्योंकि लूप 3D में है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, पहली बात तो तुम्हें सवाल ही समझ नहीं आया क्या है ये। ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे लूप है 90 डिग्री पे, जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी, सिंपल इधर देख, क्या ये ऐसे? आप एक बार समझो, जब भी ऐसे 3D में लूप आए तो उन्हें छोटे छोटे प्लेनर लूप्स में तोड़ लेना। कैसे इमेजिन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वायर में जहां पे कोई करंट नहीं उसमें दो वायर बनाओ, एक वायर में ऐसे करंट मान लो, एक में ऐसे मान लो, नेट कितना? नेट कितना? जीरो। तो क्या ऊपर एक लूप बन गया और नीचे भी एक लूप बन गया? ऊपर वाले लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है, जो M1 अपना लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ध्यान देखना, आई ए बी के कैप, बोल यस और नो। जबकि आप इस वाले लूप को देखो तो आपको समझ में आएगा M2 लिखा जाएगा आई ए बी जे कैप। क्या ये दोनों का समेशन ही अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है? सो द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज Mnet इक्वल्स टू आई ए बी के कैप प्लस जे कैप, यस और नो। So this is a strategy for solving the problems in 3D.
इन थ्री डीज का एक थोड़ा सा और अच्छा सा सवाल कराता हूँ, देख ले ध्यान से। मान लीजिए कि आपका ध्यान सुनना सवाल को, पहले घराने की जल्दबाजी मत करना, जो सन्नाटे में पहुंच जाओगे। मान लीजिए कि आपके ऐसे एक क्यूब है, मान लीजिए आपका ऐसे एक क्यूब है, इसमें करंट कैसे बह रहा है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, देख ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बनाया है, ये होएगा नहीं होएगा, पता नहीं कौन सी फॉर्म है अब, पर हो जाते हैं ऐसे सवाल, अब ये कल लगा लेंगे। करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे एरो बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा टफ हो गया शायद, ये हो जाएगा वैसे, ऐसी कोई बात नहीं, अबे यार खतरनाक हो गया भाई। हाँ बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर क्यूब की साइड ए है या एल है, करंट आई है, हाँ आइए, मुझे आंसर कौन सा याद है तू बता, गया अभी तेरे सामने सवाल बनाए, चलो टेक्निक ऐसी अपनानी है, दो तीन जगह अपनानी पड़ेगी बस, ध्यान से तो बढ़िया स्क्वायर बन जाएंगे, तीन एक तीन बनेंगे, चार बनेंगे, तीन बन जाएंगे, तीन, इधर सुन ध्यान से, ध्यान सुन सन्नाटे, देख इन तीनों को देख, ध्यान समझना, जैसे ये एक लूप बना लो आप, देख ये वाला ध्यान देखना, देख ये करंट ऐसे गया, तो ये एक लूप कंप्लीट हो गया, अरे यार पर इस वायर में मैंने ऐसे और ऐसे करंट अगर लिया है पिंक में, तो क्या उल्टा भी लेना पड़ेगा, तो देख उल्टा जब लोगे तो ये इस वाले लूप को कंप्लीट करेगा, देख इसने इस वाले को कंप्लीट करा ऐसे, ये यहां पे फिर अपन अभी लेंगे, टेंशन मत लो, और इसने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये वाला तो ऐसे घूमा ना, ये तो ऐसे घूम लिया, और इधर वाले में ये इसको कंप्लीट करेगा ऐसे, ये और फिर इधर ऐसे और ऐसे, तू बहुत ध्यान से देख, तो इन दोनों में हमने ऐसे ऐसे उल्टा सुल्टा करंट ले लिया, तो देख एक लूप पूरा ये बन गया, एक लूप नीचे नीचे वाला नीचे बन गया, और एक ये वाला लूप ऐसे, तो देख एक ये जो लूप है ये आ रहा है के की तरफ, तो लिखा गया मैग्नेटिक मूवमेंट, ध्यान सुनना क्या लिख रहे हैं, आई ए स्क्वायर के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, मेरे हिसाब से आंसर है, और तुम्हें ही पता है मैंने कुछ सोच के नहीं बनाया इसमें, बस मुझे पता था कि कुछ ना कुछ करके आंसर, आप बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं दूसरा नहीं करा रहा, कोई तेरी इच्छा हो जो बनाया, जैसे तेरी इच्छा हो, आंसर पर यही आएगा, आंसर पर यही आएगा, तू बना सकता है, कोई बनाई कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे ऐसे मैं बता दूं तूने कैसे सोचा होगा, ऐसे बना लिया होगा एक, नहीं उधर वाला, उधर ट्रायंगल और ये पूरा बीच का, ठीक है स्क्वायर बनाओ ना, अच्छा लगता है वो, इस ट्रायंगल ऐसे टेढ़ा प्लेन में बना लेगा तो फिर आई कैप जाएगी, डायरेक्शन टेढ़ी आ जाएगी, तू जो भी करेगा उससे आंसर यही आएगा, उसमें कोई बुराई, मैंने थोड़ा सा जो मुझे चमका और जो थोड़ा स्क्वायर में अच्छा लगता है बच्चे को समझना, इसलिए वैसे बताया है, है? तू क्यों, तू उसे क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो हो गए सब कवर कर लेना है सारे वायर, अब क्या बार बार कंप्लीट करते रहोगे क्या, इधर भी नहीं चलो उधर भी नहीं चलो, कर तो लिए सारे लूप कंप्लीट, सारे वायर कंप्लीट, ये वाले ये दोनों वायर इसमें आ गए, ये दोनों वायर बार बार थोड़ी लेते रहेंगे, एक मिनट मुझे ऐसा क्यों लगा
कि आप लोगों को जीवन का आनंद आ गया है। अब आपको ये समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे सवाल कराए जा सकते हैं जो कराए नहीं जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल, ध्यान सुनिए, अब आगे चलते हैं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की बात है। किसकी निकालने की बात है? मैं कुछ बातों पर और आपका प्रकाश डालना चाहता हूं। इधर सुन, इधर देख, तो वास्तविकता में जो हमारी करंट कैरिंग लूप है, जैसे ये है, तो इसमें करंट कैरिंग लूप में वायर कंडक्टिंग होता है, और इसमें कौन दौड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन दौड़ते हैं? वास्तविक वायर में कौन दौड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, कोई बुराई वाली बात? बेसिकली चार्ज दौड़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर आपसे वास्तविकता में बात करी जाए कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, क्या एक पर नॉन कंडक्टिंग रिंग पे ऐसा थोड़ी, अच्छा जो मेरा वायर जो मैं अभी ले रहा था, जो भी मैं वायर ले रहा था वो न्यूट्रल थे कि चार्ज थे? न्यूट्रल। उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे करंट की वजह से। मान लो मैं नॉन कंडक्टिंग रिंग लूं और उसमें चार्ज फिक्स कर लूं प्लस क्यू, कितना फिक्स कर लूं? क्यू। बोलो क्लियर? जब मैं इसमें चार्ज क्यू फिक्स कर लूं तो ठीक है, कर लो रेडियस आर। अब मैं इसको घुमाऊं ऐसे ओमेगा से, अब मैं इसको घुमाऊं ऐसे ओमेगा से, आपको नहीं लगता है करंट जैसी चीज है? अरे चार्ज ही तो दौड़ रहा है यार, ठीक है नॉन कंडक्टिंग है पर चार्ज चिपका हुआ, पर घूम तो रहा है यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। सो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम, इट इज इक्विवेलेंट टू, ऑल्दो दिस इज नॉन चार्ज, दिस इज चार्ज, दिस इज, तुझे मेरी बात समझ? मैं थोड़ा और इसको छोटा करता हूं, एलिब्रेट करता हूं। एक एटम है, क्या है? एक एटम है। आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी ऐसे सवाल मिल सकते हैं, ध्यान से समझिए जो मैं आपको कह रहा हूं। एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। याद कर, आपको आर लिखा गया था 0.529 स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम, यस और नो? कुछ याद है? भूल गया? -13.6 z² / n² नहीं आया? 2.1 × 10⁶ z / n, क्या था ये? वो सब यहां पे आ सकती है, कैसे भी आपको बता दूंगा, ध्यान से समझ ले। पहले एटम के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, इट इज अ चार्ज विच इज रोटेटिंग, इट इज अ चार्ज, एक चार्ज घूम रहा है। अब उसका फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, वो रेडियस रेडियम सब निकालने जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है तो जाहिर सी बात है, इट इज मेकिंग अ इफेक्टिव करंट। तो याद कर, उसका टाइम पीरियड भी आता है कि तुझे वेलोसिटी आती है। याद है? भूल गया? याद है? भूल गया? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए कि ओमेगा से या फ्रीक्वेंसी से या जिससे भी घूम रहा है, तो उसका आई इफेक्टिव करंट क्या है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देखो। तो क्या किसी भी एक पॉइंट को ई चार्ज ने, किसने, मैं जनरलाइज कर लेता हूं, क्यू चार्ज ने टी टाइम में क्रॉस करा, तो ऐसे घूमते हुए चार्जेस का हमेशा आई इफेक्टिव आएगा क्यू एफ। आई इफेक्टिव क्या आएगा? एफ इज वॉट? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अरे हाँ ना बोले यार, एफ इज वॉट? तो बहुत सुंदर, तो लेंस की फोकल लेंथ आर बाई टू, लेंस की फोकल लेंथ, नहीं लेंस की फोकल, नहीं पढ़ाई नहीं का क्या मतलब है, जो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, घुसा मारो कुंड में, करा भैंसों के साथ चले, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर बाई टू, तेरा कर्वेचर बिगाड़ देना मैंने पूरा। I effective equals to QF, where F is what? Focal length of lens and focal length is R by 2. Control. तो QF effective current आया, क्या आया? आपको नहीं लगता ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, अगर ये इफेक्टिव करंट बना रहा है तो आपको नहीं लगता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी ला रहा है? मैं थोड़ी देर मॉडर्न में आ रहा हूं, मॉडर्न और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे सवाल क्योंकि ऐसे करे जा सकते हैं। तो ध्यान देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई बाई टू आर, क्या आर वहां से लिख सकते हैं? 0.529। सोच कर आपसे पूछ ले कि हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट के में बताइए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, तो निकाल सकता है क्योंकि रेडियस जाता है। अच्छा वो कई चीजों के प्रोपोर्शन आती है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में और आ जाएगा। अगर आप ध्यान दे तो आई क्या है? क्यू एफ। आई क्या है? या आप क्यू बाई टी। चल मैं थोड़ी सी इसमें फिजिक कराई देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लीजिए अपन एफ की बात करते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? 2πr/v, 2π नहीं आया? तू अगर बहुत ध्यान से सोचे तेरे को याद होगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z वेट, तो सब कॉमन मान लेते। अरे भाई साहब आना बोल, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। अरे नहीं आया?
ज्यादा भूल गया तो बोल टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? एन क्यूब के। किसके? नहीं आया, आया। तू बहुत ध्यान दे तो बी लिखा गया म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। आई इफेक्टिव क्या है? क्यू एफ। तो आई किसके प्रोपोर्शनल है अगर अपन इस वाले केस में बात करें तो? अगर आप ध्यान दो फ्रीक्वेंसी वन बाई एन क्यूब। अरे टाइम पीरियड है ना यार ये, तो फ्रीक्वेंसी तो वन बाई एन क्यूब हुई ना। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। फिर यहाँ पे वापस आर रख दोगे तो आर किसके प्रोपोर्शनल? एन स्क्वायर। तो देख मिनट फील वन बाई एन की पावर फाइव। वन बाई एन की पावर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? सोच लो तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप तो सही तो करा हुआ। कब टेस्ट में है? अच्छा है क्या अभी? अरे ठीक है, जब भी आए तो समझ में आ रहा है ना अब। वो आप मेरी बात सुन, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें मनमान चीजें पूछ सकता है वो आपसे। क्या क्या पूछ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या निकाल सकता है? Yes, sir. किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल सकता है? कोई आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले, पूछ ले। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? आई इनटू ए। भाई आपसे क्या क्या पूछ सकता है? देखो आर पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई है। आई कितना? क्यू एफ। ए इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। ए इज व्हाट? देख तेरा खुद को समझे। आई किसके प्रोपोर्शनल आया था? एन क्यूब के। अगर तू बहुत ध्यान दे तो आई किसके प्रोपोर्शनल आया था? वन बाई एन क्यूब के। और सोच आई वन बाई एन क्यूब के और एरिया पाई आर स्क्वायर। और आर किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? वन बाई एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वन बाई एन स्क्वायर डेडी प्रॉब्लम टू वन बाई एन सॉरी तो आई इंटू ए। आई इंटू मैं एक पहली बात आपको सारे फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर होने, ये इनमें बहुत सारी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, बाद में देखोगे तो टॉर्क भी पूछ सकता है, एम क्रॉस भी, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है वो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिया आई ए। अब सोच आई किसके प्रोपोर्शनल था? वन बाई एन। एरिया किसके प्रोपोर्शनल? तो ध्यान से देखो तो आप ही हो गया वन बाई एन क्यूब। एन की पावर, एन की पावर फोर बाई एन क्यूब। बोल यस और ना। मुझे लगा ही तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया, बहुत ध्यान सुन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आई इनटू ए इक्वल्स टू दिस। अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो अभी आपको प्रोपोर्शनल आया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई बाई टू आर, जो किसके प्रोपोर्शनल आया? वन बाई एन क्यूब। कुछ भी पूछ लो, उसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव करंट जनरेट कर रहा है, इफेक्टिव करंट जनरेट कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, इसलिए तो टॉर्क लगता है। अरे आपने नहीं सुना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट कर रहा है, तो कैंसिल आउट हो गई। पर अगर उसके आउटर शेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जिसे अपन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। अरे पैराडाइम में यही तो होता है। वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं आ जाती पैरा? अरे यार तुमने कभी कभी बारहवीं पढ़ी? जो भी आपके आउटर शेल में अगर 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? मतलब s वाले आउटर शेल से जो सब में डिवाइड होते हैं ना, अरे s में दो, उसमें छह भी तो दो दो में डिवाइडेड है। नहीं आया? और उसमें दो दो में, अगर दो दो के कॉम्बिनेशन में, तो देख एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रहा है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट कर देता है। पर अगर एक ही है तो फिर एक ही तरफ, तो उसका उस एटम का इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते सब अलाइन कर देते। खुपाच पहले साले इधर उधर थे। अरे यस और नो? तो पैरा डाया फेरो पे ऐसे बाइफर्केशन आएगा, उसमें भी बहुत सारी बातें और है, वो एक अलग बात है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, चर्चा होगी वहां पे। पर ऐसी बेसिक बातें बहुत सारी आ सकती है मॉडर्न में भी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे इनमें से। और आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगा, तुम्हें ऐसा लगा कि? अरे हाँ ना बोल यार, मैं वापस उस ट्रैक पे आ जाऊंगा। डोंट वरी, उतार लो इसको। कुछ समझ नहीं आया भेजा पूछ लो, शर्माओ मत, अपने मास्टर घर का फोन करो, घर आएगा, पीछे ले गए क्यों भी लिखना हो। अब सुन पहले बताओ, क्या ये एक सवाल है कि बहुत सारे हो सकते हैं? कमी नहीं है, मतलब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस, ई, वेलोसिटी, आर, एरिया, फेरिया, कुछ भी। अच्छा पता है एक खूबसूरत बात क्या थी इसके घूमने में? एक खूबसूरत बात थी कि कोई खूबसूरत बात नहीं थी? आप सुन, इधर देख। अरे बात नहीं, पीछे क्या बात है? मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग इन अ रेडियस आर विद अ वेलोसिटी वी, विद अ वेलोसिटी वी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है तो बोर मॉडल वॉडल पे अपन नहीं जा रहे, छोड़िए, सिंपली ये बताइए जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या चीज?
क्या होता है उसको निकालते हैं पहले। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई ए, एरिया हमें साफ दिखाई दे रहा है पाई आर स्क्वायर, आई होता है क्यू ई एफ, ई एफ, और एफ क्या है वन बाई टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड क्या है टू पाई आर बाई वी। अरे भाई साहब तो ध्यान दे, ई वी टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आर ने आर को मार दिया, कितना आया ई वी आर बाई टू। दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज द, अरे कभी तो हाँ ना बोल, दिस इज द, इसमें कोई बुराई नहीं। अब खूबसूरती यह है कि एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज एंगुलर मोमेंटम है इस वाले पार्टिकल का एम वी आर, वी और आर में कितना एंगल, बेकार रेस्पॉन्स, कितना तो एल है एम वी आर, कितना है, दिस इज वॉट एंगुलर, पता नहीं सर एंगुलर मोमेंटम कहा गया, एक स्टैंडर्ड रेशो है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है आपको, मैं समझा भी दूंगा, देखो कांस्टेंट आता है सब जगह, अभी तेरा फील आ जाएगी क्योंकि हम बेसिक चीज इलेक्ट्रॉन से उठा, जिस भी चीज में घूम रहा होगा चार्ज वो होगा तो इलेक्ट्रॉन ही, इसलिए मैं हार्ड कोर इलेक्ट्रॉन से उठा रहा हूं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो एंगुलर मोमेंटम और ये मैग्नेटिक मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम और ये मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर आप ध्यान देखो तो आप रेशो लो एक, इसे जायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं, तुम्हें उससे खैर कोई लेना देना नहीं है, इसे रेशो लो एक आप मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का, ई वी आर बाई टू अपॉन एम वी आर, ई बाई टू एम, सी दिस रेशो वेरी केयरफुली, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ द एटम, इंडिपेंडेंट ऑफ द एन। अरे भाई मैं था हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में ये रेशो क्या होगा, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में यही होगा, इट्स कॉन्स्टेंट, इट्स ये एक स्टैंडर्ड रेशो जो कॉन्स्टेंट आता है, ई बाई, बाद में हम इसे क्यू बाई टू एम के नाम से रटेंगे क्योंकि ई तो, अरे भाई साहब क्या रेशो आया, ई बाई विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज, और स्टैंडर्ड, और कई बार रेशो पूछा जा चुका है, कोई नई बात नहीं, तीन बार चार बार आ चुका है जेई में ये रेशो पूछा गया और बार बार वही है, मेरे को लगता है इसमें कुछ और अच्छी चीज पूछेगा, वो क्या मैं अभी बता दूंगा आपको। सो द रेशो इज ई बाई टू एम, सो दिस रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज कॉन्स्टेंट यू कैन से, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ, तू ध्यान से किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है रेशो, कि भाई कितने ओमेगा से घूम रहा है, क्या रफ्तार है, क्या रेडियस है, सिर्फ ध्यान से देख तो क्यू बाई एम के रेशो पर डिपेंड कर गया वो। अरे यार बेसिकली इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अभी देख रहे हैं आप क्यू बाई एम नहीं आया, इट्स अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ वॉट, साला कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसे भी घूमे कुछ भी करे पर साले का ये रेशो कॉन्स्टेंट रहता है क्यू बाई टू एम, और किस चीज का रेशो है, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया, सो मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन, इसको थोड़ा सा और प्रूफ करा लेते इसका ध्यान, अभी जो मैं तेरे को बता के बता रहा था उसे देख, तेरे को फिर समझ में आएगी ये बात कि हाँ यार तो कॉन्स्टेंट रहता है। मान लीजिए मैं अभी आपको बता रहा था नॉन कंडक्टिंग और ये सब यहां बनाता हूं, मान लीजिए इस पे चार्ज है क्यू, कितना है क्यू, रेडियस कितना है आर, मान लो घूम रहा है ओमेगा से, मास है एम, बोलो क्लियर, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, क्या एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, रिंग का मोमेंटम इनर्शिया एम आर स्क्वायर ओमेगा, पहले था यस और नो, एम आर स्क्वायर, अगर आप ध्यान देखो तो किसी भी एक पॉइंट पर क्या क्यू चार्ज क्रॉस कर जाएगा टी टाइम पीरियड पे, तो इसका इफेक्टिव करंट हुआ क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को लिखा गया क्यू एफ, या क्यू बाई टी को लिख सकते हैं टू पाई बाई ओमेगा, मतलब कभी तो हाँ ना बोल यार कोई ब्राई, तो भाई साहब इसका इफेक्ट हो गया क्यू ओमेगा बाई टू पाई, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया वो हो गया क्यू ओमेगा बाई टू पाई इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई ने पाई को मार दिया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, बोल यस और नो, टेक आउट द रेशो, रेशो इज व्हाट, रेशो इज एम बाई एल, ध्यान से देख फिर से आया क्यू बाई टू एम, हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा ये हमेशा, बहुत फील करेगा तो तुझे बात समझ आएगी भाई साहब कि अबे इसमें भी तो सारे इलेक्ट्रॉन ही थे, अरे यार इसमें भी तो सारे, तो क्या हो गया उसमें, आएगा यही रेशो बार बार क्यू भाई, ऐसे चार्ज घूमेगा तो रेशो किस चीज का, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मूवमेंट का रेशो कितना आएगा क्यू भाई, क्यू भाई मैं तो कह रहा हूं आप ऐसे ले लो, ध्यान सुनना, तू चाहेगा तो इसका प्रूफ कर दूंगा, विश्वास हो गया हो तो नहीं करूंगा, जैसे तू चाहे, मान लो डिस्क है, क्या है डिस्क का रेडियस, मतलब चार्ज क्यू, रेडियस आर, घूम रही ओमेगा से, बताइए इसका रेशो, फिर से क्यू बाई टू एम आएगा, अगर प्रूफ करोगे ढंग से तो, बोलो तो कर दूं तो फील आ जाएगी,
कर दो सारे मुद्दे इसलिए मर लंबा ग्रुप आप सुन ढंग से रुक जाए ग्रेट। अगर इसे प्रूव करना चाहते सुन लो, पहली बात एंगुलर मोमेंटम तो बहुत आसान है, आई ओमेगा डिस्कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो सिंपल। अरे कभी तो हाँ ना बोल, पक्की बात। अब मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, रिंग्स में तोड़ लूँ, किस में तोड़ लूँ, हर रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालू, उसको इंटीग्रेट कर लूँ। अरे कभी तो हाँ ना बोल, मान लीजिए क्यू है तो उसका सिग्मा कितना हुआ, सिग्मा हुआ क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई क्यू ना, मैं एक्स पे जाकर डीएक्स की रिंग ले लूँ, एक्स पे जाकर डीएक्स की रिंग जो अपन लेंगे उसका जो छोटा सा डी क्यू होगा उस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, उस डी क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा क्यू पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया, सो डी क्यू की वैल्यू आई टू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, देखना कैलकुलेशन गलती नहीं करो, दिस इज अ डी क्यू, ये वो डी क्यू है जो ओमेगा से घूम रहा है, तो जिसका डी आई इफेक्टिव हुआ, वो डी आई इफेक्टिव क्या हुआ, वो हुआ डी क्यू इंटू एफ, दैट इज लिखा गया टू पाई बाई ओमेगा, पहला था यस और नो, डी क्यू बाई टी टी टाइम पीरियड के लिए टू पाई बाई ओमेगा, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, क्यों ना अपन उसकी वैल्यू यहां पर टू ने टू को मार दिया, बचा कितना क्यू बाई पाई आर स्क्वायर ओमेगा, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर ओमेगा एक्स डी एक्स, बोलिए सुनो ये आया डी आई, क्या आया, अरे सही तो बोल रहा हूँ डी आई, पर हमें चाहिए डीएम, हमें चाहिए डीएम, तो डीएम के लिए लिखी गई डी आई इंटू एरिया, एरिया कौन सा, रिंग का, किसका, तो लिखा गया डी आई, डी आई के लिए डी आई इंटू एरिया, एरिया के बारे में लिखा गया कितना क्यू ओमेगा बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू एरिया इज पाई एक्स स्क्वायर, अरे कभी तो हाँ ना बोल, अरे तो रिंग कुछ नहीं आया तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया गया पाई ने पाई को मार दिया, ध्यान से तो लिखा गया क्यू ओमेगा एक्स की पावर क्यूब डी एक्स बाई आर स्क्वायर, यस और नो, ये डीएम है, अगर मैं टोटल एम चाहता हूं तो मुझे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, तो लिखा गया क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करा गया लिमिट जीरो से लेकर आर तक, तो आया आर की पावर फोर बाई फोर, यानी कि आया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर, कभी तो हाँ ना बोल, अरे नहीं आया, अगर बहुत ध्यान से देख तो फिर से रेशो ले लीजिए, रेशो की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट अपन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आई क्यू ओमेगा आर स्क्वायर की पावर फोर, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, क्या फिर से आया क्यू बाई टू एम, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, अब सोच अगर तुझे इस बात की फील होती कि यार ये रेशो कांस्टेंट है, मैं सवाल में पूछता इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, तो एक इंटेलिजेंट बच्चा पूरा प्रूव करता यहां तक, एक स्मार्ट बच्चा बोलता रेशो तो क्यू बाई टू है, मैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए कि एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए, आंसर आ गया एक लाइन, सो दिस रेशियो वर्क्स, ऐसा अभी जेईई ने पूछा, मुझे लगता है वैसा पूछ लेगी, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक स्फीयर है, क्या है, जो अपनी एक्सिस पे ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, जिस पे चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, ठीक, मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए ओरली, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए ओरली, क्या दिस इज 2 बाई 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम इज 2 बाई 5 mr स्क्वायर ओमेगा, m ने m को, सो आंसर इज qr स्क्वायर ओमेगा बाई 5, तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ, सो इट वर्क्स, ये छोटा भी करता है सवालों को, ये सवालों को, और रेशो तो कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है, मुझे लगता है ऐसा स्मार्ट सवाल पूछेंगे आपसे, कभी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे जो निकालने में टफ हो रहा हो तो क्यू बाई टू एम का विचार आना चाहिए, क्यू बाई टू एम का विचार आना चाहिए, तुम्हारे प्राण पखेरू एटम से उठाकर हम पूरे सॉलिड स्फीयर तक ले आए चीज को, इसलिए हमें क्रिस्टल क्लियर होना सब लोग अगले टर्न सब शीट लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, शीट और एससी वर्मा सबके पास होनी चाहिए, और एक मैंने वो डाउनलोड कराई थी नहीं कराई, मैं आज करा दूंगा, तो अगले टर्न पे आपके पास होनी चाहिए वो, एक फाइल होगी जो बेसिकली जेई मेन के लिए, इसमें जेई मेन का पोर्शन बहुत एक्स्ट्रा है ना, तो मैं चाह रहा हूं पर तुम्हें पढ़ाने की बजाय मैं खुद ही पढ़ाऊंगी एक बार,